दोस्तों ये है Z8 वेरिएंट जो कि ऑटोमेटिक वाला है। आज अपन आपको इसी को दिखाते हैं, करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सामने से अगर देखोगे तो मैनुअल मैंने पूरा दिखाया, उसका डिटेल्ड वीडियो देख लो। यहाँ पे कैमरा नहीं दिया है, ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। हाँ, साइड्स आप देखोगे तो जिनकी शिकायत थी कि Z8 में अलॉय व्हील नहीं है, ये देखिए ऑटोमेटिक में अलॉय व्हील भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी रेस्ट सारी चीज़ें सेम टू सेम है जैसे मैनुअल में थी, है ना। ऊपर इलेक्ट्रिक सनरूफ और यहाँ पे अपना बेल्ट लाइन में क्रोम। पीछे चलते हैं, सो पीछे भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये वाइट कलर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया है। अंदर आपको दिखा देता हूँ एक बार, सो इसमें भी कीलेस एंट्री है। अंदर देखो, ये आपका ऑटोमेटिक है। बाकी ये था पूरा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया Z8 ऑटोमेटिक। आप हर तरफ से देख लो, कुछ इस तरीके का है। वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है स्कॉर्पियो इनमें, नो डाउट। पूरा वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक के जा सकते हो। ये ऑटोमेटिक। अब आप पूछोगे इतनी छोटी सी वीडियो क्यों बनाई मैंने, बिकॉज मैंने पूरा मैनुअल ट्रांसमिशन वाला Z8 का वीडियो बना दिया था, और इसमें मात्र डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिल रहे हैं। इस वजह से आपका भी ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो और आपको भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाए, दैट इज वाई। बाकी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया मैंने फर्स्ट ऑन यूट्यूब Z8 MT के बारे में, ठीक है। डिलीवरी की बात करूं तो अप्रैल से आपको 100% डिलीवरी Z8 और Z6 की देखने के लिए मिल जाएगी। अभी 15 से चालू ही हो जाएगी, मुझे ऐसा सोर्स ने बताया है, ठीक है, और रिलायबल सोर्स है। 15 अप्रैल से, और फिर मतलब या तो फिर लास्ट अप्रैल से आपको डिलीवरी Z8 और Z6 की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। रही बात Z2 की, तो उसका अभी कोई अपडेट नहीं, मे बी मई से मिल जाए उसकी।